देखो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बूस्टर पर। ठीक है, देखो आप लोगों, जैसे आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 10th पास कर चुके हैं। ठीक है, और जिन जो अभी सोच रहे हैं कि अपन को कौन से फील्ड के अंदर अपन जाएं, कौन सा स्ट्रीम चूज करें, जैसे साइंस स्ट्रीम के अंदर जाएं, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जाएं, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर जाएं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के अंदर जाएं तो अपन बायोलॉजी लें कि मैथमेटिक्स लें। ठीक है, तो वो सब चीजें आप बच्चों के दिमाग में चल रही होगी, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि इसके अंदर जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, आगे अपने पास क्या स्कोप है। ठीक है, तो आज का अपना जो सेशन होने वाला है वो स्पेशली इसी चीज पर होने वाला है कि अगर अपन 11th 12th के अंदर, यानी अब अगर अपन 10+2 साइंस स्ट्रीम के अंदर करके जाते हैं तो आगे अपने पास क्या क्या स्कोप होंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग उसके अपने इंटरेस्टेड के अकॉर्डिंग आप लोग वो स्ट्रीम चूज कर सकते हो अपने लिए, कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है, आज देखो जो अपना मैं स्पेशली 12th साइंस के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, 12th साइंस के बाद में आप लोगों के पास क्या क्या स्कोप रहते हैं, क्या क्या जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर पाते हो, आगे अपन जैसे यूजी अंडर ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो वो कैसे कैसे अपन क्या क्या कोर्स वगैरह, क्या क्या डिग्री ले सकते हैं, क्या डिप्लोमा वगैरह सारे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं, वो सब देखेंगे। लेकिन आज का जो सेशन होगा वो ओनली उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब ओनली इंडेक्स तैयार की जा रही है। जैसे बुक के अंदर पहले इंडेक्स आती है, फिर जो इंडेक्स के अंदर चैप्टर्स के नाम दिए हुए रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं, फिर आगे उनका डिटेल्स वर्जन रहता है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, आज आप लोगों को ओनली बताया जाएगा कि ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को अगर कोई अच्छा लगे, उसके बारे में आप लोगों की जानने की इच्छा हो, जैसे मान लो आप लोगों ने एनडीए चूज किया, अब एनडीए के बारे में जानने की इच्छा हो कि क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या अपन को आगे उसके लिए रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस होता है, कैसा पेपर आता है, क्या एज लिमिट होती है उसके अंदर, वो सारी चीजें अगर आप लोगों को जाननी किसी स्पेशल एक स्पेसिफिक के लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट में आप लोग मेरे को बता सकते हो, जिससे मैं आगे के वीडियो उसके अकॉर्डिंग बना सकूं। वैसे कोशिश की जाएगी कि सारे ये जो भी अपन ने लिखा है इस बोर्ड पे, सारों के लिए अपन एक वीडियो सीरीज चला दें, ताकि एनडी के लिए अपन एक स्पेशल वीडियो बना दें, नेवी एयरफोर्स जैसे इन सब के लिए, टेक्निकल एंट्री, इंडियन आर्मी, ये सब चीजों के लिए अपन एक स्पेशल अलग अलग सबके लिए स्पेशल वीडियो बना दें, ताकि आप लोगों को पता लग सके उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए अपन क्वालिफाई है कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग सके। ठीक है, तो चलो अपन शुरुआत करते हैं 12th साइंस। अब पहले अपन देखेंगे कि फिजिक पीसीएम के लिए, यानी इसको अपन नॉन मेडिकल भी बोलते हैं, इसको बच्चों नॉन मेडिकल भी बोला जाता है, पीसीएम या नॉन मेडिकल। ठीक है, 12th, अगर अपन 11th 12th में साइंस लेते हैं उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर अपन चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आगे जाके अपने पास उसके लिए क्या क्या स्कोप है। ठीक है, 12th के बाद में, जस्ट 12th के बाद में अपन क्या क्या कर सकते हैं, कौन से इसके आगे की ओर अपन बढ़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, सबसे आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट चल रहा है वो आप लोगों को बताऊं तो नेवी और एयरफोर्स की ओर बच्चे ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, नेवी और एयरफोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, बेस्ट करियर ऑप्शन है नेवी और एयरफोर्स का 12th के जस्ट बाद में। ठीक है, एकदम बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे मैं पहले नंबर पर अगर मेरे को कोई चूज करने के लिए बोले तो एनडीए और नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, नेवी एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है, नहीं पता तो अभी सुन लो, नेवी एयरफोर्स का एग्जाम जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के किसी बड़े भाई ने एग्जाम दिया होगा या फिर परिवार में से किसी ने एग्जाम दिया होगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा नेवी एयरफोर्स के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक तो अक्स ग्रुप होती है और एक वाई ग्रुप होती है। ठीक है, तो अक्स ग्रुप की एग्जाम बच्चों ओनली एंड ओनली पीसीएम वाले बच्चे दे सकते हैं, पीसीएम जिनके 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होती है वो बच्चे नेवी एयरफोर्स की एग्जाम, अक्स ग्रुप की एग्जाम दे सकते हैं, साथ में एक वाई ग्रुप की और होती है वो भी दे सकते हैं। यानी पीसीएम वाले बच्चे 12th साइंस जो मैथमेटिक्स से कर रहे हैं वो बच्चे नेवी एयर और एयरफोर्स के अंदर जो दो कैटेगरी डिसाइड है, अक्स और वाई ग्रुप की, अक्स ग्रुप टेक्निकल कैटेगरी होती है, वाई ग्रुप ठीक है अलग कैटेगरी है, उसको सारे बच्चे दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं और साइंस वाले बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों को बेनिफिट ये रहता है, उसके अंदर आप लोगों के लिए दोनों कैटेगरी खुली रहती है, अगर आप लोग मैथ लेते हो ठीक है तो आप लोगों के पास दोनों कैटेगरी खुली रहेगी नेवी और एयरफोर्स के अंदर। ठीक है,
एक्स और वाई दोनों कैटेगरी। अब एक्स और वाई कैटेगरी क्या होती है, क्या उनका सिलेबस वगैरह में क्या चेंजमेंट है, वो सब देखेंगे अपन आगे। ठीक है, तो ये हुई बात। अब देखो उसके बाद में है एनडीए, एनडीए की तैयारी। अब एनडीए क्या होता है बच्चों, एनडीए क्या है कि अगर अपन 12th में अपने मैथमेटिक्स वगैरह इनका होता है, ठीक है, तो अपन एनडीए के एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए में क्या होता है बच्चों, अगर अपना सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसके थ्रू अपन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है अपन को, यानी ऑफिसर पोस्ट मिलती है डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू। अपन पास आउट होकर जाते हैं, फिर उसके बाद में डायरेक्ट अपन को लेफ्टिनेंट के रैंक की पोस्ट मिलती है, यानी ऑफिसर पोस्ट मिलती है डायरेक्ट। ठीक है, ये बात हुई एनडीए की। ठीक है, बेस्ट करियर ऑप्शन है बच्चों एनडीए, नेवी, एयरफोर्स। एनडीए के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया अपन डायरेक्ट किसमें जा सकते हैं, ऑफिसर पोस्ट अपन ले सकते हैं एनडीए के थ्रू, अगर अपन सेलेक्ट होकर आगे जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जाम है एससीआरए, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। एससीआरए एक रेलवे में ऑफिसर पोस्ट के लिए एक एग्जाम होती है एससीआरए की, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए दी बेस्ट एग्जाम है, क्योंकि बच्चों इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है सितंबर के लगभग, इसकी वो निकलती है और ठीक है नोटिफिकेशन आता है इसका, मतलब फॉर्म भरे जाते हैं, और जनवरी लगभग 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में इसकी एग्जाम होती है एससीआरए रेलवे के अंदर, रेलवे की एग्जाम होती है ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद में है बच्चों बी आर्क, जिसका जैसे डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइन, यानी जिसका डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, जो बच्चा डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट रख रहा हो उसके लिए बी आर्क का एक डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, जो जेई मेन की आप लोगों को नाम सुना होगा, जेई मेन की एक एग्जाम फर्स्ट होती है, एक एग्जाम सेकंड होती है, जेई मेन की आईआईटी के एग्जाम जो बोलते हैं। ठीक है, उसमें सेकंड एग्जाम होती है वो बी आर्किटेक्चर के लिए होती है। आर्किटेक्चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग्स के जो डिजाइन बनाते हैं, लैंडस्केप इंटीरियर डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए होता है बी आर्किटेक्चर की एक डिप्लोमा होता है। ठीक है, जो सारी कॉलेजेस तो नहीं करवाती, जैसे आईआईटी की जो इंजीनियरिंग कॉलेजे होती हैं उनमें क्या करिए डिप्लोमा होता है, जो सारी कॉलेजे नहीं करवाती, कुछ कुछ कॉलेजे ये डिप्लोमा करवाती है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का जाना पहचाना इंजीनियरिंग बीटेक, 4 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, 4 ईयर का, ठीक है, बीटेक, बीटेक अपन करें 4 ईयर, 4 साल में वो, अगर अपन जैसे मान लो कि जेई मेन की, जेई एडवांस की एग्जाम होती है उनको अपन क्वालिफाई करते हैं, तो अपन आईआईटीज के अंदर एडमिशन ले पाते हैं, तो मोस्ट आईआईटीज मिल पाती है। या फिर जैसे मान लो एक बिट सेट की एग्जाम होती है अलग से, बिट्स पिलानी नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसकी एक अलग से एग्जाम होती है, बहुत अच्छी एग्जाम है। ठीक है, तो उसकी एग्जाम के लिए अपन मान लो उससे अपन बीटेक करते हैं, या किसी आईआईटी से करते हैं, या एनआईटी से करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करके, एग्जाम को क्वालिफाई करके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपन अगर बीटेक करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में अपन लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट के अंदर, या तो अपन क्या कर सकते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है बच्चों कि उसके बाद में अलग अलग एग्जाम्स होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या एग्जाम्स होती है, देखो बीटेक के बाद में एक तो अपन आईईएस का एग्जाम होता है, ईएस का एग्जाम, इंजीनियरिंग इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम जो होता है बच्चों, वो अगर अपन उसकी तैयारी करके, एक आईएएस का जैसे एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, वैसे ही आईईएस का एग्जाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी लेता है एग्जाम भी। ठीक है, उसके वो एग्जाम अगर अपन क्वालिफाई करते हैं तो अपन को जॉब्स मिलती है बच्चों रेलवेज के अंदर, या तो रेलवे के अंदर जॉब कर सकते हैं, उसके थ्रू अपन रेलवेज के अंदर जॉब मिलती है, या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसके अंदर अपन जॉब मिलती है अपन को इंजीनियरिंग सर्विसेज का, अगर अपन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, रेपुटेटेड पोस्ट मिलती है अपन को, एक रेपुटेशन होती है अलग ही। ठीक है, आईएएस की एग्जाम क्वालिफाई करके जो अपन को रेलवे के अंदर जॉब कर सकते हैं, या फिर अपन कोई पब्लिक सेक्टर होता है उसके अंदर जॉब कर सकते हैं, या फिर अपन एमटेक कर सकते हैं, जैसे मास्टर डिग्री होती है ये, एमटेक होती है बच्चों मास्टर डिग्री। ठीक है, जैसे एमएससी, एमए नाम सुना होगा उसके, उसकी लेवल उसके वो है डिग्री, मास्टर डिग्री है ये भी, जिसके थ्रू अपन इंजीनियर कोई इंजीनियरिंग को इंजीनियर का वो ले सकते हैं, मान लो कुछ कोई कंपनी के अंदर अपन जॉब कर रहे हैं इंजीनियर की पोस्ट पर। ठीक है, या फिर अपन कोई टीचर बन सकते हैं, टीचर का मतलब कि जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस होती है उनके एग्जाम क्वालिफाई, उनके भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के टीचर के एग्जाम होते हैं, वैसे स्पेशल इनके एग्जाम, और साथ में बच्चों इंजीनियरिंग कॉलेजेस या जो डिप्लोमा आप लोगों ने नाम सुना होगा 12th के बाद में डिप्लोमा करते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन इसी के अंदर,
ठीक है, जो डिप्लोमा करते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है, उसके अंदर टीचर की जो एग्जाम होती है बच्चों, वो एमटेक करके अपन वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जिससे अपन को वो जो मिलती है प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है, ठीक है, डिप्लोमा उसके अंदर, ठीक है। एक होता है कि अपन मर्चेंट नेवी की एग्जाम दे सकते हैं, मर्चेंट नेवी के एक मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर अपन को मरीन इंजीनियर की पोस्ट मिलती है, मर्चेंट नेवी के अंदर अपन भी अपन जा सकते हैं बीटेक करने के बाद में, एक ऑप्शन अपने पास ये खुल जाता है कि जिसके अंदर मरीन इंजीनियर की अपन को पोस्ट मिलती है, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, बीटेक के बाद में यूपीएससी के एग्जाम देके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। ये तो वैसे सारों के लिए होती है, अपन अगर नॉर्मल कॉलेज करके भी इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, सबके अपने अपने सोचने का तरीका होता है कि यहाँ से अगर अपन निकलते हैं तो क्या कुछ सीखते हैं, उसके बाद भी ये तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ पहले ही अपन सीख चुके होते हैं इस एग्जाम के लिए, वैसे भी बहुत कुछ अपन को सीखना होता है इसलिए, ठीक है। या फिर क्या होता है बच्चों, एक सीडीएस की एग्जाम होती है, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा एनडीए का ऑप्शन होता है, उसमें एज लिमिट होती है, वो एज होने के बाद भी अपन एनडीए के एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर अपन इंजीनियरिंग करते तो अपने पास एक फिर ऑप्शन खुल जाता है एनडीए वाला, सेम वही ऑप्शन सीडीएस का, ठीक है। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री होती है जिसकी, डिफेंस में नेवी और एयरफोर्स के अंदर, वही सेम है एनडीए की तरह ही है बच्चों, वही एसएसबी इंटरव्यू होता है उसी की तरह सेम, वो क्यों वही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर क्या है कि अपने पास एज लिमिट होती है 19, 20 ईयर या 19 ईयर, उसके बाद में 19 ईयर के समथिंग ऐसे हो, अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को पूरा उसका, ठीक है। तो वो ऑप्शन अगर बंद हो जाता है अपने पास में, तो फिर अगर अपन बीटेक करके ये सीडीएस की एग्जाम दे सकते हैं, जिससे अपन क्या है वही सेम पोस्ट होगी उसके अंदर, नेवी और एयरफोर्स के अंदर लेफ्टिनेंट रैंक की पोस्ट मिलती है, ऑफिसर पोस्ट मिलती है, ठीक है, वही सेम है एनडीए की तरह ये, ठीक है। तो एक बार और फिर अपने पास एक मौका और रहता है ये इसके अंदर लगने का, एनडीए वाली पोस्ट पर लगने का, ठीक है, सीडीएस के थ्रू अपन लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन एमएस की डिग्री ले सकते हैं, एमएस की डिग्री के लिए मतलब विदेश की यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, अपन बीटेक करने के बाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गए, जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपन लोगों ने सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, अपन लोगों ने ब्रांच से इंजीनियरिंग की है, अगर सिविल और इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है अपन ने, तो अपन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, वो पोस्ट भी अपन को मिल सकती है। जैसे देखते नहीं कि पुलिया वगैरह बनता है, सड़क का जो काम होता है ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वही करते हैं ये सब काम, ठीक है। या फिर अपन एमबीए कर सकते हैं, बीटेक के बाद में एमबीए कर सकते हैं। अब एमबीए करने पर अपने पास कौन कौन से ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा फाइनेंस मैनेजर का नाम सुना होगा, बिजनेस कंसल्टेंट का नाम सुना होगा, मार्केटिंग मैनेजर का नाम सुना होगा, एचआर मैनेजर का नाम सुना होगा, या फिर होटल मैनेजमेंट की डिग्री अपन मिल जाती है इससे, होटल मैनेजमेंट में भी अपन अपना हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर की, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट और मार्केटिंग और एचआर मैनेजर, ठीक है, ये सब अपने पास ऑप्शन खुल जाते हैं एमबीए करने के बाद में, ठीक है। तो बच्चों ये तो हुई बीटेक के बाद की कहानी अपनी, ठीक है। उसके बाद में है कि अगर डायरेक्ट अपन ट्वेल्थ के बाद में टेक्निकल एंट्री होती है आर्मी के अंदर, डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री, जैसे आर्मी की दौड़ वगैरह होती है, तो वहां आप लोगों ने सुना होगा कि टेक्निकल वाले जो बच्चे होते हैं उनको अलग दौड़ाया जाता है, जिनके बारहवीं के अंदर साइंस स्ट्रीम होती है, मैथमेटिक्स ये सब होता है, उनको अलग दौड़ाया जाता है, क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है बच्चों, वो टेक्निकल पोस्ट अलग निकलती है, ठीक है, वो टेक्निकल के लिए अपन एंट्री मिलती है इंडियन आर्मी के अंदर, टेक्निकल पोस्ट मिलती है अपन को, ठीक है। या फिर अपन बीएससी कर सकते हैं, बीएससी की जैसे बीएससी हुई 3 साल की, 3 ईयर की बीएससी, और उसके बाद में 2 ईयर की अपन एमएससी कर लेते हैं, ठीक है, एमएससी कर ली अपन ने, ठीक है, मास्टर डिग्री मिल गई, और उसके बाद में जैसे पीएचडी करके अपन आगे रिसर्च में या फिर कोई प्रोफेसर वगैरह इनकी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर वगैरह की इनकी एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में है बच्चों अगर अपन बीसीए करते हैं, बीसीए भी बच्चों 3 ईयर डिग्री होती है, ठीक है, 3 साल की एक डिग्री होती है, जिसके बाद में अपन को एमबीए करनी होती है, या फिर बीटेक, एक तो मैंने क्या बताया बीटेक के बाद में एमबीए करो या तो, ठीक है, या फिर पहले बीसीए करो उसके बाद में एमबीए करो, उसके एमबीए करने के बाद में आप लोगों के पास फिर यही ऑप्शन खुल जाते हैं सारे, फाइनेंस मैनेजर के, बिजनेस कंसल्टेंट और मार्केटिंग मैनेजर और एचआर मैनेजर के, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करो, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, यानी अपन को ये भी एक डिग्री होती है, डिप्लोमा मिलता है अपन को प्लानिंग और डिजाइन के अंदर, जैसे किसी भी डिजाइन अपन को तैयार करनी हो, कोई भी डिजाइन तैयार करनी हो उसके अंदर, ठीक है, एक ये भी एक डिप्लोमा होता है, ट्वेल्थ के बाद में अपन ये डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन क्या होता है कि ट्वेल्थ के बाद में आप लोगों ने सुना होगा डिप्लोमा करते हैं बच्चे, 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं हम इंजीनियर हो गए, ठीक है, तो वो डिप्लोमा भी आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है जो, ठीक है, ये अपने पास एक ऑप्शन होता है। फिर एक ऑप्शन होता है होटल मैनेजमेंट डिग्री का,
होटल की मैनेजमेंट। आजकल बच्चों ये वाला जो है होटल मैनेजमेंट वाला है ये बहुत तरक्की कर रहा है। अब वो बात अलग है कि कभी नोटबंदी हो जाती है या फिर कभी कुछ ऐसे मतलब कुछ हो जाता है तो उसमें क्या होता है इसका थोड़ा क्रेज होता है, ठीक है, क्योंकि लोग इतना जल्दी वहां पर जा नहीं पाते हैं। कोई भी जैसे मान लो कोई महामारी आती है, कोई भी जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, इसके चक्कर में, ठीक है, तो ये होटल मैनेजमेंट का वैसे बहुत ही बेस्ट होता है। ये भी होटल मैनेजमेंट वाली डिग्री भी आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक आप लोगों को देखो काफी बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, ये होता है फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, FTH डिप्लोमा भी मिलता है। एक आप लोग 12th के बाद में FTH का डिप्लोमा भी कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग फिल्म एडिटिंग के अंदर, फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, जॉब्स इन फिल्म प्रोडक्शन और टीवी चैनल्स के अंदर आप लोगों को जॉब्स मिलती है एडिटिंग की और जैसे प्रोड्यूसर है, ये सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। तो ये है, ये तो है बच्चों अपने पास सीधी सीधी चीजें। इनमें कुछ ऐसी चीजें भी एक दो पोस्टेज ऐसी भी है जो आप लोग 12th में अगर साइंस नहीं है तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें लगभग पोस्ट आप लोगों को वही बताई गई है जो आप लोगों के 12th में साइंस है विद PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो जिसको नॉन मेडिकल बोला जाता है उसके अंदर आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। और मेरा सुझाव तो ये है ज्यादातर बच्चे आजकल इसी की ओर जा रहे हैं, नेवी एयरफोर्स और NDA द बेस्ट है बच्चों, द बेस्ट करियर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है खासकर लड़कों के लिए, ठीक है, जिनकी हाइट वगैरह शरीर वगैरह काफी अच्छा होता है और जो ज्यादा माइंडेड बच्चे होते हैं वो NDA की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। और नेवी एयरफोर्स और आर्मी टेक्निकल पोस्ट मिलती है आर्मी के अंदर भी आप लोगों को, दी बेस्ट ऑप्शन है, दी बेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स भी है अलग अलग, जैसे वो भी कर सकते हो। और 12th के बाद में जैसे SSC के एग्जाम्स होते हैं, 10+2 वाले जैसे एग्जाम्स लेती है SSC, ठीक है, वो एग्जाम भी कर सकते हो। रेलवेज के अंदर भी निकलती है बहुत सारी पोस्ट, अलग अलग पोस्ट निकलती है, वो एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम है, तो मैंने ये इनमें से बहुत सारे एग्जाम्स ऐसी थी जो UG से पहले, अंडर ग्रेजुएशन से पहले आप लोग नौकरी लग सकते हो। बहुत ही सुनहरा मौका होता है बच्चों छोटी सी उम्र के अंदर नौकरी लगने का, नेवी एयरफोर्स और NDA। बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, बार बार दोहरा रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को ज्यादा फिजिकल वगैरह की भी जरूरत नहीं होती, ज्यादा नॉर्मल दौड़ होती है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आगे आप लोग कमेंट कर देना, आप लोगों को बताएंगे किसी भी के बारे में, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोग 12th साइंस PCM के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर किसी और एग्जाम के बारे में या किसी कोई डाउट रह गया हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर है बच्चों, इन पर आप लोग कभी भी व्हाट्सअप करके मेरे को पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और अगर किसी एक स्पेशल कोई भी एक जैसे मान लो टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी है, ये कैसे होती है सर, हमारे को इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, जैसे अलग से हमारे को पता लग सके इसकी क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, इसमें क्या चाहिए होता है, हमें वो सब पता लग सके, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए वीडियो आप लोगों को बना दिया जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हो कि किस पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इस पर आप लोग सोचना विचार करना, ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आप लोग सोच समझ के ठीक है अपने करियर के बारे में सोच सको, ठीक है। किसी दबाव में आके यार ऐसे आप लोगों को नहीं लेना कि पड़ोस वाले ने ये किया तो मैं भी ये करूँ, कोई जरूरी नहीं, आप लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से समझना क्या अपन को अपना इंटरेस्ट किस में है, क्या है ये सब, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं बायो के ऊपर, बायो अगर अपन बायोलॉजी लेते हैं उसके अंदर PCB होती है तो उसके लिए क्या क्या पोस्टें हैं उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। अगर अपन 12th के अंदर मैथ लेते हैं, साइंस स्ट्रीम के अंदर, नॉन मेडिकल के अंदर, तो अपने पास क्या क्या स्कोप रहते हैं, कैरियर ऑप्शन रहते हैं अपने पास अपने कैरियर के लिए। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन बायोलॉजी लेते हैं, मैथ की जगह ऑप्शनल होता है, इसकी जगह अगर अपन बायोलॉजी लेते हैं यानी PCB होता है मेडिकल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर अपने पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं मेडिकल के अंदर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो ज्यादातर बच्चे चुनते हैं MBBS, ठीक है, तो 5.5 ईयर का डिप्लोमा होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों MBBS ये पहले तो अपन बात करते हैं, देखो एक तो होती है प्रोफेशनल डिग्री और एक होती है नॉन प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री होती है बच्चों जो महंगी होती है, ठीक है, जैसे अपन BTECH करते हैं तो इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो प्रोफेशनल डिग्री होती है, वैसे ही MBBS तो ये डिग्री है प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये भी महंगी है, ठीक है। अब एक डिग्री होती है जैसे अपन UG करते हैं, BSc करते हैं, सस्ती डिग्री है, नॉन प्रोफेशनल डिग्री होती है, नॉन प्रोफेशनल डिग्री मतलब सस्ती होती है वो, ठीक है, एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, चलो तो छोड़ो ये सब बात, ठीक है। तो MBBS की बात करते हैं, 5.5 ईयर का बच्चों डिप्लोमा होता है, इसके अंदर
एमबीबीएस। अब देखो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होती है बीटेक करने के लिए, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होती है, उनके अंदर ही होता है कि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज, एक दो यूनिवर्सिटी जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, एक दो कॉलेजेस को छोड़कर बाकी कोई भी बीटेक वाली जैसे मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहती है, जैसे आईआईटीज रहती है, एनआईटीज रहती है, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू होती है, उनकी डिग्री की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बच्चों एमबीबीएस के अंदर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का कुछ कोई चक्कर नहीं है। अगर जैसे अपन कोई वो खोल के बैठ गए दवाइयों की, जैसे मान लो दुकान कोई खोल के बैठ गई, तो वो चलने पे डिपेंड है। अपन कोई मान लो अपना क्लिनिक खोल लिया डिग्री करके, तो वो अपने चलने पे डिपेंड है कि चल रहा है नहीं चल रहा, उसे डिग्री विग्री से ऐसा नहीं कि अपने गवर्नमेंट से किया है प्राइवेट से किया है, इतना ज़्यादा खास कोई फर्क नहीं होता। तो एमबीबीएस की डिग्री बच्चों खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर बच्चों अपन एम्स से, एम्स का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ठीक है। तो एम्स से अगर अपन करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर अपना कोई खर्चा नहीं लगता, बस अपना हॉस्टल का रूम, हॉस्टल का रेंट लगता है, ठीक है। कोई भी खर्चा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बस हॉस्टल का खर्चा लगता है अपना, थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो, ठीक है। जैसे पीएमटी के थ्रू बच्चे करते हैं, आरपीएमटी से नाम सुना होगा, पहले एग्जाम लगती थी, ठीक है। जैसे एसपी कॉलेज बीकानेर के अंदर है, एसएमएस इधर अपने जयपुर के अंदर कॉलेज है, पीएमटी के थ्रू वो कॉलेजेस लेते हैं, अच्छी अच्छी कॉलेजेस लेते हैं और बच्चे उनसे एमबीबीएस करते हैं, ठीक है। तो एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद में अपन 3 ईयर का, अब ये नहीं कि एमबीबीएस करते ही अपन डॉक्टर बन गए, ठीक है, टकले हो जाते हैं। इसमें 10 साल का लगभग कोर्स होता है ये डॉक्टर बनने के लिए, बहुत एक बार खर्चा लगता है, लेकिन एक बार बन गए अपन उसके बाद में खूब अपन अच्छी पेमेंट होती है, खूब कमा सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 10 ईयर का ये पूरा वो होता है, कोर्स होता है डॉक्टर का एक, ठीक है। एमबीबीएस के बाद में अपन एमएस एमडी वगैरह का करते हैं, फिर डिप्लोमा करते हैं, सीएमएस वगैरह करते हैं, जैसे अपन स्पेशल, जैसे आप लोगों ने नहीं सुना, हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है, कान का डॉक्टर, ठीक है, ऐसे स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल अपन वो बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, स्पेशल उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन बीडीएस कर सकते हैं, 4 ईयर का डिप्लोमा होता है, और फिर उसके बाद में एमडीएस कर सकते हैं। ये दांतों के रोग का जो डॉक्टर होता है, बीडीएस डेंटिस्ट, वो नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। दांतों का आजकल वैसे भी दांत ज्यादा ही खराब होते हैं लोगों के, ठीक है, तो ये भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद में एक है वेटनरी से, अगर अपन वेटनरी डॉक्टर होते हैं, ये भी बच्चों अच्छा है, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, वेटनरी से कर सकते हैं अपन। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, इससे भी डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं अपन, डिप्लोमा उनके अंदर, इनके अंदर भी अपना अपना कैरियर बना सकते हैं, ये भी अच्छे फील्ड है, इनके अंदर भी अपन कैरियर बना सकते हैं। एक आता है जो काफ़ी सारे बच्चे नर्सिंग की तरफ जाते हैं, लड़के हो लड़कियां हो, ठीक है, तो नर्सिंग को चूज करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं, एमएससी नर्सिंग करते हैं। अब आप लोगों के पास यहाँ पर क्या ऑप्शन रहता है, जैसे आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग किया है, तो कोई भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रहता है उसके अंदर नर्सिंग स्टाफ की जो एग्जाम्स होती है उसको क्वालिफाई करके आप लोग नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हो, वहाँ भी आप कैरियर बना सकते हो। या फिर जैसे एम्स वगैरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं, एम्स हॉस्पिटल, जैसे एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स ऋषिकेश, ये ऐसे एम्स जो है इनके अंदर भी आप लोग नर्सिंग स्टाफ के अंदर जा सकते हो, इनकी भी स्पेशल एग्जाम होती है, वो एग्जाम को क्वालिफाई करके आप लोग इनके अंदर भी नर्सिंग स्टाफ के अंदर जा सकते हो। तो ये भी काफी सारे बच्चे इसको भी चूज करते हैं, नर्सिंग स्टाफ को भी, और भी नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही अपन नर्सिंग स्टाफ का काम कर लिया, तो ठीक है। तो ये है बच्चों, इसके अपने पास मेडिकल के अंदर इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं चूज करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, किसी एक उसके डिप्लोमा के ऊपर या एक डिग्री के ऊपर, किसी एक कैरियर ऑप्शन के अंदर आप लोगों को अच्छा लगे, उसके बारे में आप लोगों को पता करना हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए अपन को, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सब चीज़ अगर पता करनी हो, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें, उसका लिखे कमेंट में उसका नाम लिखे, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो आगे बना सकूं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट। धन्यवाद।